हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारा सोशियोलॉजी का पार्ट चल रहा है, जो कि यूपीएससी ऑप्शनल ऑप्टेंट 12 दोनों के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, जैसा कि हमने अपने मेंस पेपर 1 में क्या आता है उसका सिलेबस अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप वो पहले जाके देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे मेंस पेपर 2 में क्या आता है, ठीक है, क्या सिलेबस है। ठीक है, फर्स्ट दो वीडियो में अपने क्योंकि सिलेबस करने वाले थे, तो आज हमारा दूसरा वीडियो है। इसके बाद से हम एनसीईआरटी के लेक्चर्स शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला इंडियन सोसाइटी स्ट्रक्चर एंड चेंज। ठीक है, इंडियन सोसाइटी का क्या स्ट्रक्चर है, क्या चेंजेस उसमें आते हैं टाइम टू टाइम, ये चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें पहला है इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी। ठीक है, पहले तो है कि अपने इंडियन सोसाइटी को इंट्रोड्यूस करना। फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्रस्पेक्टिव्स ऑन द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, इंडियन सोसाइटी को स्टडी करने का क्या प्रस्पेक्टिव है, किस तरीके से हम स्टडी करते हैं, क्या तरीका है। ठीक है, फिर इंडोलॉजी जीएस घूरे ने जो दिया है। ठीक है, इंडोलॉजी मतलब होती है अपनी इंडियन सोसाइटी को अंदर से इंटरनली क्या करना, रीड करना, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, फिर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, एम एन श्रीनिवास का स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म देखेंगे हम। मैट्रिक्स सोशियोलॉजी देखेंगे ए आर देसाई का, जो कि मैट्रिक्स हमने अपने पेपर 1 में भी पूरा पढ़ लिया होगा, बेस कंप्लीट कर लिया होगा, इसमें हम थोड़ा डीप पढ़ेंगे। ठीक है, इन तीनों का हम ये तीनों चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, इंडोलॉजी, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म और मैट्रिक्स सोशियोलॉजी। ठीक है, सॉरी। फिर इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन सोसाइटी, जो कॉलोनियल रूल होता था, जो बदलते थे, उसका इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी पे क्या पड़ता था। ठीक है, ये सब हमें पढ़ना है इन डीप, हम जो कि अपने एनसीईआरटी लेक्चर्स और यूपीएससी के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म का सोशल बैकग्राउंड पूरा का पूरा क्या होता है। आप ये बोलोगे कि ये तो पॉलिटी के लेक्चर्स हैं, मैं इसमें पढ़ चुकी हूँ। पॉलिटी में आप सिर्फ उसके ईयर, ये हुआ ये पता, इसमें क्यों हुआ, उसके फैक्टर्स, ये सब हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमें ईयर ये सबसे उतनी मतलब नहीं है कि हमें ईयर याद रखना होगा, कहाँ हुआ ये यानी क्यों हुआ, उसका इफ़ेक्ट किस किस को पड़ा, लाइवलीहुड पे उसका कितना असर हुआ, ये सब हमें पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसमें मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन ट्रेडिशन जैसे कि जो हमारा ट्रेडिशन है उसमें कितना बदलाव हुआ, उसमें कितना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन आया और क्यों आया। ठीक है, उसके फैक्टर्स भी देखना और उसके इफ़ेक्ट, फैक्टर्स एंड इफेक्ट दोनों बहुत ज़रूरी है सोशियोलॉजी में, ये आप ध्यान रखिएगा। अपने मेंस आंसर राइटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि आप फैक्टर्स और उसके इफेक्ट, लाइवलीहुड्स, एरिया, सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन, हर चीज़ जगह उसके इफेक्ट्स को भी आप लोग दिखा सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, जो हमारा कॉलोनियल पीरियड था उसमें क्या क्या प्रोटेस्ट हुए, उसमें कौन कौन से मूवमेंट्स चले, ठीक है, क्यों चले। जैसा कि मैंने बार बार बोल रही हूँ, फैक्टर्स एंड इफेक्ट कि हुआ कॉलोनियल पीरियड में जो कि मूवमेंट चले, प्रोटेस्ट हुआ, क्यों हुआ और मूवमेंट होने के बाद क्या इफेक्ट पड़ा, ये बहुत ज़रूरी है और हम इसमें यही पढ़ेंगे। ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स क्या क्या हुए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर में रूलर एंड एग्रीरियन सोशल स्ट्रक्चर, मतलब कि रूलर, जैसे कि आज भी हम लोग जानते हैं जो भी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन है वो किस में रहती है, वो हमारे रूलर एरिया में रहती है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करती है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं हमारे जीडीपी का 15% पॉपुलेशन हमारे क्या करते हैं, एग्रीरियन सोसाइटी में वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे कि रूलर और एग्रीरियन में कितने परसेंट लोग काम करते हैं। द आइडिया ऑफ इंडियन विलेज एंड विलेज स्टडीज़, कि हमारा जो इंडियन विलेज है, इंडिया का जो विलेज है, गांव का एरिया, उसकी स्टडीज़ करना, कैसे स्टडी करें, उसमें क्या कमी है, उसको सुधारना, ये सब भी हम देखेंगे, क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, एग्रीग्रियन सोशल स्ट्रक्चर, इवोल्यूशन ऑफ लैंड टेन्योर सिस्टम, लैंड रिफॉर्म, जो भी लैंड रिफॉर्म हुए, जो भी लैंड टेन्योर सिस्टम्स चेंज हुए, ठीक है, ये सब आए, उसका एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या असर पड़ा, क्या रिफॉर्म्स हुए। ठीक है, फिर कास्ट सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। कास्ट सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे, प्रस्पेक्टिव ऑन द स्टडी ऑफ कास्ट सिस्टम, जी एस घूरे, एम एन श्रीनिवास, लुइस ड्यूमंट एंड एंड्रा बिटेलिक। ठीक है, इन सब का हम लोग कास्ट सिस्टम के बारे में, इन्होंने क्या बोला है, क्या बोला,
क्या रिफॉर्म्स है, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम के क्या फीचर्स हैं, ठीक है। अनटचेबिलिटी फॉर्म्स एंड प्रस्पेक्टिव, जो कि अनटचेबिलिटी थी, किसने तरीके की अनटचेबिलिटी हुआ करती थी, उसका प्रस्पेक्टिव क्या हुआ करता था, ठीक है। ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया, जो कि हम लोग जानते हैं हमारे में, हमारे सोसाइटी में एक ट्राइबल कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है। बहुत लोगों को नहीं पता है कि ट्राइबल कम्युनिटी एक्चुअली में क्या होती है, इसलिए हम इसमें इन डीप पढ़ते हैं। डेफिनेशनल प्रॉब्लम कि हम क्या करते हैं, सही तरीके से उसको डिफाइन ही नहीं कर पाते कि जो हमारी ट्राइबल सोसाइटी है वो ट्राइब्स हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन हम सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे। ज्योग्राफिकल स्प्रेड, वो लोग का क्या एरिया है, किस एरिया में लोग ज़्यादा रहते हैं, कितना एरिया में उन्होंने एग्जिस्ट किया है, कितना वाइड एरिया उन्होंने कवर किया हुआ है, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। कॉलोनियल पॉलिसीज़ एंड ट्राइब, जो भी कॉलोनियल पॉलिसीज़ चेंज हो जाती हैं, ठीक है, जैसे कि हमारी आज की पॉलिसी अगर कुछ चेंज हुई तो वो ट्राइब्स के लाइवलीहुड में कैसे इफ़ेक्ट करती है, हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आप लोग करंट अफेयर्स से ही अपडेट रह पाएंगे। आपको करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको करंट अफेयर्स के नोट चाहिए डे टू डे विथ हैंड रिटन नोट्स एंड लेक्चर्स, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए वो ज़रूर लेके आऊँगी, ठीक है। इश्यूज़ ऑफ इंटीग्रेशन एंड ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी और इंटीग्रेशन मतलब उन लोगों को सोसाइटी में घुलने मिलने में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये भी हमें देखना होगा, ठीक है। फिर है हमारा सोशल क्लासेस इन इंडिया, सोशल क्लासेस इन इंडिया कौन कौन से क्लासेस हैं, सोशल क्लासेस हैं हमारे इंडिया में, एग्रीग्रियन क्लास स्ट्रक्चर जो कि एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं, इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रक्चर जो कि हमारे इंडस्ट्रियल वर्क में पूरे के पूरे तरीके से इन्वॉल्व है, फिर है मिडिल क्लास, जो कि हम लोग जानते हैं मिडिल क्लास की हम लोग डेफिनेशन एक पर्टिकुलर वर्ड में तो नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक मिडिल क्लास बहुत ब्रॉड एरिया है, बहुत बड़ा एरिया हमारे मिडिल क्लास लोगों ने कवर कर रखा है, तो उसकी एक पर्टिकुलर कोई भी डेफिनेशन देना सही नहीं होगा, ना ही हम सही तरीके से एक उसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन देंगे, इसलिए हम इन सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे एक्चुअली में मिडिल क्लास लोग क्या होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, वो लोग किस किस रिलीजन्स में ज़्यादा होते हैं, क्या वर्क करते हैं, क्या लाइवलीहुड तरीका, और हम एक्चुअली में मिडिल क्लास किसको बोलते हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफ किनशिप इन इंडिया, लीजन एंड डिसेंट इन इंडिया, ठीक है, जो कि हमारे जैसे किनशिप मतलब रिलेशनशिप होता है मेनली रिलेशनशिप, लीनेज एंड डिसेंट मतलब जो कि हम लोग नहीं बोलते पूर्वज, हमारे पूर्वज पुरानी सोसाइटीज, इन सबको हम लोग लीनेज एंड डिसेंट्स बोलते हैं। टाइप्स ऑफ किनशिप, कितने तरीके के किनशिप होते हैं, कितने तरीके के रिलेशंस होते हैं, ठीक है, ये भी जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है। फिर हमारा फैमिली एंड मैरिज इन इंडिया, जैसे कुछ चीज़ होती है फैमिली से जुड़ जाती है, जैसे हमारे पूर्वज से होती है, कुछ चीज़ें होती है कि हम अगर दूसरों से शादी करते हैं, मैरिज करते हैं, तो हमारा रिलेशनशिप जुड़ता है। हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ द फैमिली, एक फैमिली का कितने तरीके से डायमेंशन होता है, कितने तरीके से बटे होते हैं, कितने तरीके के हाउस होल्ड्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियर ज्वाइंट बहुत तरीके के होते हैं ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ऐसी भी बहुत सी फैमिलीज होती है, ठीक है। पेट्रियार्की इंटाइटलमेंट एंड सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर, क्या पेट्रियार्की है, पेट्रियार्की मतलब क्या होता है, पैटर्नल, कि हम अपने मतलब कि एक पैटर्नल मतलब कि एक दादा दादी के परिवार को ही लेके चल रहे हैं, ठीक है, पेट्रियार्की उसको बोलते हैं। बहुत कम जगह होता है जो मैटर्नल होते हैं, बस ज़्यादातर जो पैट्रियार्की ही होती है, ठीक है। इंटाइटलमेंट, सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर, कैसे हम लड़का लड़की जेंडर के कास्ट पे लेबर को डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है, उनके काम को डिवाइड किए हुए हैं, कि लड़की है तो घर के खाना ही बनाएगी, लड़का है तो वो बाहर वर्क करने जाएगा, ठीक है, लड़की है तो नहीं पढ़ेगी, लड़का है तो पढ़ेगा, ऐसा चीज़ जो होता है सेक्सुअल बेसिस पे जो होते हैं, ठीक है। रिलीजन एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे, रिलीजियस कम्युनिटीज़ इन इंडिया, ठीक है, जो भी हमारी रिलीजियस कितने तरीके की रिलीजियस कम्युनिटी है इंडिया में, प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ मतलब जो माइनॉरिटीज़ मतलब जिनके कम हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने होते हैं, ठीक है। फिर है हमारा सोशल चेंज इन इंडिया, सोशल चेंजेस क्या क्या इंडिया में आए हैं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, और ये आप में मेरी एक सजेशन है, आप करंट अफेयर्स से अपडेटेड ज़रूर रहिएगा, आपके मेन साइटिंग में बहुत बेनिफिशियल है, आप काफ़ी अच्छे गुड मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे सोशल चेंज इन इंडिया में क्या आता है, विजन ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, हमें देखना पहले तो समझना कि कितना चेंज आया है पहले और आज के में, उसको कंपेयर करना और फ्यूचर से भी उसको कंपेयर करना कि कितना चेंज हो सकता है, ठीक है। इंडिया ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग एंड मिक्स इकोनॉमी, ठीक है, डेवलपमेंट प्लान करना,
मिक्स इकोनॉमी डिफाइन करना, ठीक है, कि हमारी जो इकोनॉमी है कोई भी पर्टिकुलर टाइप की तो इकोनॉमी नहीं है, हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड है, आप लोग जानते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो आपके इकोनॉमिक्स में आपको पता चलेगा, बाकी हम एनसीईआरटी लेक्चर्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है, कि जो हमारी सोसाइटी है वो डेवलप्ड प्लानिंग कर रही है, डेवलपमेंट प्लानिंग अक्सर करती रहती है, और हमारी जो इकोनॉमी है मिक्स इकोनॉमी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड सोशल चेंजेस, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर लॉ है वो सब चेंज होते हैं तो उसका सोशल चेंजेस पे कितना असर पड़ता है, ये सब भी हम देखेंगे, ठीक है। प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कॉपरेशन, पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स, जैसे कि हम लोग रूरल डेवलपमेंट जो गांव के एरिया है उनको डेवलप करने के प्रोग्राम्स बनाते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाते हैं, कॉपरेशन के साथ में वर्क करो ऐसे प्रोग्राम्स बनाते हैं, पॉवर्टी एलिवेशन मतलब पॉवर्टी हटाओ गरीबी हटाओ स्कीम्स निकालते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत से काम हम लोग करते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड सोशल चेंजेस, जो भी ग्रीन रिवॉल्यूशन आया उसका सोशल चेंज पे कितना इफेक्ट पड़ा, ठीक है। फिर चेंजिंग मोड्स ऑफ प्रोडक्शन इन इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है, कि हमारे प्रोडक्शन सिस्टम कैसे चेंज हो गया हमारे इंडियन सोसाइटी में, इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल लेबर बॉन्डेज माइग्रेशन, जो हमारे रूरल लेबर थे, गांव के लेबर्स थे, उनको कितनी दिक्कत आई इस प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज होने में, उनको माइग्रेट करना पड़ा, ठीक है, उनको जगह नहीं मिलते थे, उनको काम नहीं मिलते थे, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, इंडिया जो हमारी इंडिया थी वो पूरी मतलब ज़्यादातर इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गई, कि मतलब मशीन वशीन के ज़्यादा वर्क होने लगे, फैक्ट्री फिट होने लगी, अर्बनाइजेशन होने लगा, पूरा शहर होने लगा गांव से हट के, ठीक है, ये सब भी हम पढ़ेंगे। फिर हमारा इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया, कि हमारे इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्री कब आई, कैसे इवॉल्व हुई, ठीक है, इमर्ज कैसे हुई, ये सब हम पढ़ेंगे। फिर हमें पढ़ना है ग्रोथ ऑफ अर्बन सेटलमेंट इन इंडिया, कि हमारी सोसाइटी रूरल से अर्बन कैसे हुई, ठीक है, कैसे उसका ग्रोथ हुआ टाइम टू टाइम। इनफॉर्मल सेक्टर चाइल्ड लेबर, जो इनफॉर्मल सेक्टर्स थे उनका चेंजेस कैसे हुआ, जो हमारे चाइल्ड लेबर थे वो सिस्टम कैसे हटा, ठीक है, ये सब भी हमें पढ़ना होगा। स्लम्स एंड डेफिनेशन इन अर्बन एरिया, जो अर्बन एरिया में स्लम्स और डेफिनेशन होते थे उनको भी देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सब हम अपने एनसीईआरटी के लेक्चर्स और यूपीएससी के आगे जो लेक्चर्स है उसमें पूरा कवर करेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी ये हमारे एक सिलेबस से ऐसा मत सोचिएगा कि मैम बस इसको एकदम हल्के हल्के में क्यों समझा रही, ये पूरा इन डेप्थ हम अपने आगे के एनसीईआरटी लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तो इसको इतना ब्रॉड डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं थोड़े थोड़े बता दे रही हूँ, आपको सिलेबस समझने में दिक्कत ना। पॉलिसीज, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, सोसाइटी में पॉलिटिक्स होता ही है तो वो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि नेशन, डेमोक्रेसी एंड सिटीजनशिप हमने पहले में पढ़ा था, इसमें हम लोग उसका रोल देखेंगे, उसके इफेक्ट देखेंगे, उसके फैक्टर्स देखेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, सोशल एंड पॉलिटिकल एलिट्स, ठीक है, हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल देखेंगे सोसाइटी में, प्रेशर ग्रुप्स का देखेंगे, सोशल एंड पॉलिटिकल एलिट्स का देखेंगे। रीजनलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जिसके हम लोग जानते हैं यहाँ पर रीजनलिज्म है और पावर यहाँ पर डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज तो बिल्कुल भी नहीं है, तो उसका भी इफेक्ट देखेंगे। सेकुलराइजेशन का इफेक्ट देखेंगे। सोशल मूवमेंट्स इन मॉडर्न इंडिया, कि जो हमारे मॉडर्न इंडिया में सोशल मूवमेंट्स का क्या रोल रहा है, ये भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पीजेंट्स एंड फार्मर मूवमेंट्स, जो फार्मर्स और जो पीजेंट्स के मूवमेंट थे, ये सबको हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे अच्छे से। वुमेंस मूवमेंट्स की, मतलब जो भी लड़कियां होती हैं उनके लिए भी तो निकलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जैसे कि रेप वेप होते हैं उन सबको लेके वुमेंस मूवमेंट्स भी जो निकलते हैं, उनको काम करने का हक मिलना चाहिए, उनको डोमेस्टिक वायलेंस उनको नहीं सहना चाहिए, उनके लिए जो अलग अलग केस निकलते हैं, अलग अलग उनके लिए सिस्टम्स निकलते हैं, उनके लिए अलग अलग सावधानियाँ निकलती हैं, पुलिस कस्टडी ज़्यादा होती है, उनकी सुनवाई ज़्यादा होती है, तो ये सब भी हमें पढ़ना होगा, देखना होगा, समझना होगा, जो कि करंट अफेयर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें, और वो आपको समझना ही होगा, ठीक है। बैकवर्ड क्लासेस एंड दलित मूवमेंट, जैसे कि जो बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, जो कि छोटे जात के लोग होते हैं, दलित जात के लोग होते हैं, उन्होंने अपने राइट्स के लिए क्या क्या मूवमेंट्स किए हैं, ये सब भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स, इन्वायरमेंट को लेकर, कि जैसे कि बहुत गंदगी हो रही है, जैसे गैस पॉल्यूशन हो रहा है, गैस निकल रही है किसी इंडस्ट्री से, तो उसके लिए ग्रीन जैसे कि ग्रीनरी बढ़ाओ, ऐसा कुछ अगर कोई मूवमेंट्स हो रहा है तो उन सबको पढ़ना, और अगर आपके रिसेंट में कुछ हो रहा है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स,
पढ़ लिया, एथनिसिटी एंड आइडेंटिटी मूवमेंट, लोगों को अपनी पहचान बनाने के लिए मूवमेंट्स होते थे, कुछ लोगों को होते बिल्कुल एलिनेशन हो जाता है उनका, उनको बिल्कुल सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है, तो वो लोग अपने जैसे रेस कास्ट कलर के बेसिस पे उनको क्या कर दिया जाता है, सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है, तो वो सब अपनी एक आइडेंटिटी बनाने के लिए सोसाइटी में क्या करते हैं, कुछ मूवमेंट्स करते हैं। उन सब मूवमेंट्स के नाम क्यों हुआ, फैक्टर्स, उसके इफ़ेक्ट, सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है, तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, और बाकी तो हम इन डेप्थ अपने एनसीईआरटी लेक्चर्स में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन डायनेमिक्स, जैसे पॉपुलेशन के बारे में हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, कि पॉपुलेशन हमारी जिस टाइम का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, मेंस लिखेंगे, उस टाइम के पॉपुलेशन सेंसस पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पॉपुलेशन साइज़ क्या है, ग्रोथ क्या है, कंपोजिशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कौन से, जैसे कि एग्रीग्रियन कितने, एग्रीकल्चर कितना है, प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ कितनी है, ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट कितना ज़्यादा वर्क कर रहा है। कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, बर्थ डेथ एंड माइग्रेशन, कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं हर साल, और कितने लोग क्या कर रहे हैं, माइग्रेट हो जा रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह चले जा रहे हैं, ठीक है। उनके प्रॉब्लम्स जानना, उनके फैक्टर्स जानना, उसका इफेक्ट जानना अपने पॉपुलेशन पे, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पॉपुलेशन पॉलिसीज़ एंड फैमिली प्लानिंग, हम पॉपुलेशन के लिए क्या पॉलिसी बना रहे हैं और क्या फैमिली प्लानिंग पॉलिसी हम बना रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अभी एक पॉलिसी निकली थी कि एक घर में सिर्फ दो बच्चे होने चाहिए, ठीक है, पूरी जनसंख्या काउंट हो रही थी लोगों के घर घर जाके, ठीक है, जो कि जिनके ज़्यादा बच्चे थे उनको, मतलब उनके लिए ज़्यादा कुछ सुविधाएँ बढ़ाई जा रही थी, तो ये सब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इमर्जिंग इशूज, एजिंग, सेक्स रिलेटिव, चाइल्ड एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव होगा, ठीक है, मतलब कि क्या होता है कि क्या इमर्जिंग इशूज, लोग अगर पैदा हो रहे हैं तो उनके इशूज क्या है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो जैसे कि लोग लड़का ही चाह रहे हैं, लड़की नहीं पैदा करना चाह रहे, ये एक बहुत बड़ा इशू है। चाइल्ड एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो बच्चे कुछ पैदा भी हो रहे हैं तो गरीबी के कारण क्या हो रही है, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो मर जा रहे हैं, वो लोग क्या हो जा रहे हैं, पोलियो के इफ़ पोलियो से इफेक्टेड हो जा रहे हैं, तो ये सब भी जानना हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चैलेंजेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल एक पूरा हमें स्ट्रक्चर बदलने के लिए क्या चैलेंजेस फेस करने होंगे, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी होगी, उसको कैसे आउटकम करना होगा, ठीक है। तो एक क्राइसिस ऑफ डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम एंड सस्टेनेबिलिटी, हमें क्या करना होगा, हर कुछ डिप्लेस करना होगा, डेवलप करना होगा, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हटानी होगी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना होगा। डेवलपमेंट तो करो लेकिन हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म ना हो, हमारी जो लोअर क्लास सोसाइटी है उनको कोई हार्म ना हो, ऐसा नहीं हो कि हम अपने लेबर को एकदम प्रॉब्लम में डाल के उनके लाइवलीहुड का ख्याल नहीं रख रहे, अपने इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं रख रहे और हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। डेवलपमेंट बिल्कुल भी सस्टेनेबल होना चाहिए, अपने इन्वायरमेंट और अपने लोगों को, अपनी पॉपुलेशन को ध्यान रखते हुए होना चाहिए। पॉवर्टी डिप्रीवेशन एंड इनक्वालिटीज़, हमें ज़्यादा वर्क किस पे करना चाहिए, पॉवर्टी इनक्वालिटी डिप्रीवेशन पे वर्क करना चाहिए। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जो वुमेन्स को इतना वायलेंस होता है, उनको मारा पीटा, दहेज, उनके साथ रेप, अभी तो आपने देखा था रेप केसेस कितने बढ़ गए थे, आए दिन उन पर तेजाब डालना, उनको मोलेस्ट करना, ये सब चीज़ों पे हमें वर्क करना होगा। इसके लिए कोई अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ लानी होगी जिससे हमारी वुमेंस, हमारी गर्ल्स बिल्कुल भी सेफ फील करें, उनको नाइट ड्यूटी भी अगर करना हो तो वही एक मिनट के लिए हिचकिचाएं ना, ठीक है। कास्ट इन्फ्लुएंस, जैसे कि हम लोग देखते हैं कास्ट सिस्टम बहुत बेकार है, जो भी अगर अपर क्लास के लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को एकदम सुपीरियर मानते हैं, अगर कोई भी छोटे क्लास के लोग हैं तो उसको एकदम इन्फीरियर माना जाता है, ठीक है, तो ये सब हमें हटाना होगा। एथनाइज कन्फ्लिक्ट्स, कम्युनलिज्म, रिलीजियन रिवाइवेशन, ठीक है, जैसे कि हमारा ही जो रिलीजन है सबसे बड़ा है, तुम्हारा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा मानना, कलर के बेसिस पे किसी को एलिनेट कर देना, ठीक है, उसको एलियन जैसा बिहेव करना। इलिटरेसी एंड डिस्पैरिटी इन एजुकेशन, जो कि हम लोग इलिटरेसी है हमारे में बढ़ रही है, कुछ लोग होते हैं गरीब की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, या डिसपार्टीज जो होती है कि मतलब कि कुछ लोगों के क्या होती है कि अमीर का बच्चा ही आगे बढ़ेगा, अमीर बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ हटाना होगा। कुछ अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बनी होगी कि जो हकदार हो वो पढ़े, वो बढ़े, ठीक है, जो भी इलिटरेसी है गरीब के लिए कुछ हमें ऐसी पॉलिसीज़ लानी होगी कि वो अच्छे से पढ़े बढ़े, ठीक है, उनको पैसे की प्रॉब्लम ना हो, एजुकेशन अच्छी हो, ऐसा नहीं है कि उनके लिए पॉलिसीज़ नहीं है, पॉलिसीज़ है लेकिन वैसी पॉलिसीज़ नहीं है कि वो एजुकेशन पा के वो लोग कुछ अच्छा अचीव कर सके, ठीक है, तो वैसी पॉलिसी लानी होगी कि वो स्टडी करके कुछ अचीव करें, सिर्फ स्कूल जाके बस्ता कॉपी दे के लोगों को नहीं ना किया जाता, खाना दे के लोगों को पढ़ाया जा सकता,
पढ़ाई की क्वालिटी बढ़ानी होगी। खाना मिले या ना मिले उस स्कूल में ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है उस स्कूल में एजुकेशन कैसी मिल रही है, ठीक है, तो वो अच्छी मिलनी चाहिए। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से एनसीईआरटी क्लास 11 के एनसीईआरटी से शुरू करेंगे, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा पढ़ के रखिएगा हमारे नेक्स्ट वीडियो आते आते, ठीक है, तो आपको वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा। आई बटन पर क्लिक करके आप मेरे सारे प्लेलिस्ट देख सकते हैं जितने भी चैप्टर्स के मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, वरना आप मेरे चैनल पर जाके एक बार ज़रूर चेक करिए कि मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट्स के बनाए हैं, ठीक है। होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब के भी लेक्चर्स, वीडियोस, लेक्चर है विद हैंड रिटन नोट्स, एनसीईआरटी के हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।